प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अद्भुत और अच्छी बातों को रखे हुए हैं। आज खास करके मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, उनको पता नहीं कि कैसे परमेश्वर उनको बाहर लेकर आएगा, उनकी स्थिति कैसे बदलेगी, वो अपने कर्ज से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कर्जा मुक्त जीवन कैसे रह सकते हैं, कैसे वो अपने बच्चों का फीस भर सकते हैं, कैसे वो अपने कर्जे को भर सकते हैं और कैसे वे परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सेवा करते होंगे लेकिन आप अपने कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे और उसी की वजह से आप सेवा के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। हो सकता है कि आप एक विश्वासी होंगे जो कर्ज में डूब गए होंगे और आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन आप नहीं जान पा रहे कि कैसे आप अपने कर्ज से बाहर निकलोगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आपके कर्ज से बाहर निकालेंगे। लेकिन उन सारे चीजों के लिए प्रार्थना करने से पहले मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली बात आपको जानने की जरूरत है कि आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हर एक चीज हमें लोन पर मिल जाता है। बहुत सारे एप्स अवेलेबल है जहां पर भोजन हमें लोन पर मिल जाता है, लोन यानी हम बाद में पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे जो वस्तुएं सामान है, टीवी, फोन, फैन, घर, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें लोन पर मिल जाते हैं और हमें लालच दिया जाता है कि इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम उन चीजों को खरीदते हैं, जब हम उन चीजों को लेकर आते हैं अपने घर में, तब हमें पता चलता है कि अरे यार ये तो बताया नहीं है और ये जो है 10 रुपए की चीज उन्होंने 20 रुपए का बना दिया और हम भर नहीं पाते। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेगा लेकिन कुछ चीजों को आपको रोकना है। सबसे पहली चीज है, आपको जानने की जरूरत है, कर्जा जो है ये एक आत्मा है। कर्जा जो है ये एक आत्मा है। जो लोग कर्जे से पैसा निकालते हैं, अगर आप बैच से पैसा निकालते हैं, आपको पता करना है कि जो पैसा जहां से आप बैच से ले रहे हो वो व्यक्ति जो है वो अच्छा सोर्स नहीं है। जो लोग ऐसा बैच का व्यवसाय करते हैं, इंटरेस्ट का व्यवसाय करते हैं, वो लोग गलत मार्ग से पैसा लेकर आते हैं, गलत जगहों से पैसा लेकर आते हैं और वो पैसा जो है ना पहले से श्रापित होता है। और जब एक विश्वासी होने के नाई जब हम ऐसे लोगों से कर्जा लेते हैं तो वो कर्जा हमारे जीवन से उतरता नहीं। हमने किसी से 5,000 रुपए कर्जा लिया और जब हम 5,000 रुपए चुकता कर दे तो हमें लगता है कि अरे यार हम और ले सकते, फिर हम 10,000 लेते, फिर हम 20,000 लेते हैं। ऐसे करते करते हम बड़े कर्जे में फंस जाते हैं। तो कर्जा एक आत्मा है और अगर आप कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस आत्मा को, इस कर्जे की आत्मा को श्रापित करना चालू करो, अपने जबान से अंगीकार करना चालू करो कि यीशु मसीह के नाम से मैं कर्जे में रहने के लिए नकारता हूं, मेरे जीवन में कोई कर्जा नहीं। हो सकता है कि आपके जीवन में कर्जा है लेकिन आपको बोलते हुए अंगीकार करना है, अपने भविष्य को डिक्लेयर करना है कि यीशु के नाम से मैंने सारा कर्जा भर दिया, परमेश्वर ने मुझे मदद किया और मैंने सारा कर्जा भर दिया, ऐसे आपको अंगीकार करना है। दूसरा बात जो है, आपको कर्जा लेने के लिए नकारना है, कुछ भी स्थिति क्यों ना हो जाए आपको कर्जा लेने के लिए नकारना है। आपको अपना फोन कर्जे पर नहीं लेना है, लोन पर नहीं लेना है, ईएमआईस पर नहीं लेना है, आपको अपना टीवी ईएमआईस पर, लोन पर नहीं लेना है, या कोई भी चीज है, कोई भी बात है, आपको ईएमआईस पर नहीं लेना है, लोन पर नहीं लेना है, आपको नकारना है इन छोटी छोटी चीजों को करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा 20,000 तनख्वाह है, 3,000 रुपये तो हम तो लोन ऐसे ही दे सकते हैं। नहीं, आपको विश्वास करना है, आपका परमेश्वर कर्जे का परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर कर्जा से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर है। आपने कर्जा लेकर जो गलतियां की है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपका परमेश्वर आप पर कृपा करेंगे, दया करेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह आप पर कृपा करेंगे, आप पर दया करेंगे और आपको उस कर्जे से बाहर निकालेंगे। लेकिन आगे को आपको बहुत सावधान रहना है कर्जा लेने के लिए, यानी आपको कर्जा बिल्कुल नहीं लेना है, कर्जे में होने के लिए आपको नकारना है। जब आप कर्जे में होने के लिए नकारोगे तब जाकर आप परमेश्वर के भरपूरता को देखने पाओगे। अगर आपको आशा नहीं है कि आप अपने कर्जे से बाहर निकल सकते हैं, अगर आप कुछ गलत चीज करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं पास्टर हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, अब हम जो है ना यहां पर नहीं रहेंगे, हम गांव में जाकर रहेंगे, वो सॉल्यूशन नहीं है। आप कोई छोटे घर में रहोगे वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन परमेश्वर का वचन है, प्रभु की उपस्थिति है। उन चीजों को आपको अपने स्थिति में बुलाना है, उन बातों को आपको अपने स्थिति में बुलाना है और तब जाकर आप अपने जीवन में बेदारी को देखने पाओगे और तब जाकर आप अपने जीवन में हर एक सफलता को देखने पाओगे। अपने मन को आप नकारात्मक चीजों की ओर ना मोड़ो, अपने मन को आप नकारात्मक बातों की ओर ना मोड़ो, आपके मन को आप नकारात्मक चीजों की ओर ना लेकर जाओ, लेकिन अपने मन
को, आपको ट्रेन करना है परमेश्वर की बातों को देखने के लिए। अगर आपके पास अच्छा व्यवसाय नहीं है, काम नहीं है, तो आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताओ, घोषणा करने के साथ समय बिताओ कि परमेश्वर मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति में बदलाव और परिवर्तन लेकर आएगा, और प्रभु जरूर लाएगा। जी हां, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, परमेश्वर बहुत जल्दी आपको कर्जे से बाहर लेकर आएगा, आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करेगा, आपको कर्जा मुक्त जीवन जीने के लिए सहायता मदद करेगा। लेकिन आपको नकारना है, आपको राशन जो है कर्जे से नहीं खरीदना है, आपको कोई भी चीज आपको कर्जे से नहीं करना है, आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर, नहीं तो इंतजार करना है जब तक परमेश्वर आपके जीवन में उन चीजों को नहीं लेकर आता है। कर्जा आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ब्याज से पैसा लेना आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपका ऑप्शन केवल एक होना चाहिए और वो है परमेश्वर। जब आप अपना ऑप्शन परमेश्वर को ही मानोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। काफी बार हम समझौता कर लेने की वजह से चमत्कार हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने पर हूं, और मैं ऐसी वीडियोस, खास करके जो लोग कर्जे में हैं, लोन्स पर हैं, कैसे प्रार्थना करें, कैसे वचनों को पढ़ें, कर्जे के बारे में वचन क्या कहता है, ऐसी चीजों को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और परमेश्वर इस चीजों का इस्तेमाल करेंगे आपके जीवन के सारे कर्जे को निकालने के लिए। उन सारी चीजों को देखने के लिए आप लगातार तौर पर हमारे वीडियोस को देखें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप जो है कमेंट करते रहें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और आप परमेश्वर के वचनों में अपना समय बिताएं। आइए प्रार्थना करते हैं, और इस प्रार्थना पर विश्वास करें कि प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। मैं जैसे जैसे घोषणा करूंगा, आपको मैं ग्रहण करता हूं, मैं रिसीव करता हूं, आमीन कहकर आपको अंगीकार करना है, और वो चीज आप अपने जीवन में देख पाओगे। हालेलुया, आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्यशाली परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग कर्जे में हैं प्रभु जी, इसी समय प्रभु जी उनके जीवन को आप छुए प्रभु जी, उनके बुद्धि को छुए परमेश्वर राजा, प्रभु उन्हें ज्ञान दे राजा कि किस प्रकार वो कर्जे में होने के लिए नकारे परमेश्वर, यीशु के नाम से। शैतान, मैं तुझे कहता हूं कि इनके जो पैसों को तूने रोक कर रखा है, मैं रिलीज करता हूं, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से कि वो सारे पैसे इसी समय कर, यीशु मसीह के नाम से कर्जे की आत्मा में तुझे श्रापित करता हूं और कहता हूं उनके जिंदगी से चले जाने के लिए, निराशा यीशु के नाम से, हर एक आत्महत्या की आत्मा यीशु के नाम से, हर एक समझौते की आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे श्रापित करता हूं और कहता हूं उनकी जिंदगी को छोड़कर चले जाने के लिए, क्योंकि ये प्रभु के संतान है और ये कर्जे में नहीं रहेंगे। मैं घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ को इस समय, मैं ऐलान करता हूं और मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से कि ये लोग कर्जे में नहीं रहेंगे, ये आशीषी जीवन बिताएंगे यीशु के नाम से, इनका सारा कर्जा इन्होंने भर दिया है यीशु के नाम से, इनके पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे यीशु के नाम से, ये लोग कर्जा लेने वाले नहीं लेकिन लोगों को देने वाले लोग ठहरेंगे यीशु के नाम से, ये अपने कलीसिया के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, ये अपने पास्टर के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, ये अनेक सेवक लोग के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं घोषणा करता हूं इसी समय यीशु के सामर्थ को, मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, मैं घोषणा करता हूं प्रभु जिस पत्रस को, जो निराशा में था, जिसके पास कुछ नहीं था, अगर आप उसके नाव में ढेर सारी मच्छियां ला सकते हैं, तो प्रभु जो लोग इस समय आज निराशाओं में है परमेश्वर, आज जो लोग तनाव में प्रभु जी, उनके जीवन में आप चमत्कार कर सकते हो प्रभु, उनके अपेक्षा से बाहर चमत्कार कर सकते हो प्रभु, उस सामर्थ को हम रिलीज करते हैं प्रभु, इनके विश्वास को छूते हैं इस समय प्रभु, इनका विश्वास बढ़ जाए कि परमेश्वर सच मेरे जीवन में कार्य करेगा प्रभु यीशु के नाम से। हम चमत्कार कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से, कर्जा मुक्ति कहते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, कर्जा मुक्ति के सामर्थ को मांगते हैं, और प्रभु इसी समय हम अनुग्रह मांगते हैं, कृपा मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु, हमारे इस भाई पर, हमारे इस बहन पर, हमारे इस परिवार पर परमेश्वर, आपके अनुग्रह कहते हैं परमेश्वर, और प्रभु आपके सामर्थ्यशाली कार्यों कहते हैं यीशु के नाम से, यह कर्जा मुक्त है यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से, ये कर्जा मुक्त है, इन्हें कुछ चीजें बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कर्जे से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपका अनुग्रह इन्हें इनके कर्जे से बाहर लेकर आ रहा है, आपका अनुग्रह इन्हें इनके सारी समस्याओं से बाहर लेकर आ रहा है, और प्रभु आपने अपनी बड़ी दया दिखाई, धन्यवाद देते हैं, आपने अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर, इनको इनकी स्थिति को आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन।
गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें। और साथ ही साथ मेरे कुछ बुक्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे पढ़ें। अब हमें गरीबी में रहने की ज़रूरत नहीं है और घोषणा करके चीज़ों को बुलाएं। प्रियो, ये जो किताबें हैं ये आपके विश्वास को बढ़ाएंगे परमेश्वर के अद्भुत बातों को अनुभव करने के लिए। साथ ही साथ अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है तो हमें ज़रूर लिखें, आप कमेंट करें, अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें और परमेश्वर आपको अद्भुत तौर पर आशीषित करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी आपकी स्थिति है आप बोना चालू करें। देखिए, शत्रु इस समय बहुत सारे लोगों को है ना बोने से रोकता है। जब आप बोओगे तब आप कटनी काटने पाओगे। हालेलुया। जो बीज परमेश्वर आपके हाथों में देता है, देखो प्रभु विश्वास योग्य है और वो आपको विश्वास योग्य देखना चाहता है। जो बीज परमेश्वर आपके हाथों में देता है उसे तुरंत खाओ मत, लेकिन उसे बोना चालू करो। और जब आप उसे बोना चालू करोगे परमेश्वर अच्छी बातों को लेकर आएगा, क्योंकि बोने के बाद अपेक्षा बढ़ती है। हालेलुया। जो भी व्यक्ति बोता है वो अपेक्षा करता है अच्छी कटनी की। आप जब बोना चालू करोगे आप अच्छी कटनी की अपेक्षा कर सकते हो। परमेश्वर फेवर रीति से अनुग्रही तौर पर आपके जीवन में उन सारी बातों को लेकर आएगा जिस बातों की आप को जरूरत है। और आपको क्या करना है मालूम है क्या? धीरे धीरे कर अपने बोने के हृदय को आप बढ़ाओ और देखो परमेश्वर किस प्रकार अद्भुत काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आयक से आशीष करें।